हाय एवरीवन, स्वागत है सभी का नए एक वीडियो में। सो दोस्तों, आप लोग पीछे देख सकते हैं कैनन का बिल्कुल नया प्रिंटर लॉन्च किया है। इसका मॉडल नंबर है कैनन Z3060। और दोस्तों, इस प्रिंटर में आप लोगों को मिल जाता है, ये जो प्रिंटर है ये ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें स्कैन, कॉपी, प्रिंट एंड दोस्तों इसमें आप लोग वाईफाई के मदद से मोबाइल से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मोबाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो, आप लोगों को मोबाइल से भी आप लोग इस प्रिंटर से पासपोर्ट साइज फोटो को भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। ये जो प्रिंटर है दोस्तों, इस प्रिंटर में इंस्टॉलिंग जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट किया है दोस्तों, क्योंकि इस प्रिंटर में जो नया चीज़ लॉन्च किया है वो है मेंटेनेंस बॉक्स। दोस्तों, इस प्रिंटर में आप लोगों को मेंटेनेंस बॉक्स मतलब इंक पैड जो है वो मिल जाता है पीछे, उसको आप लोगों को चेंज कर सकते हैं चाहे तो। तो दोस्तों, ये जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है थोड़ा डिफिकल्ट है एंड दोस्तों टू इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है, नहीं तो दोस्तों आगे जाकर आपका जो प्रिंटर है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का अगर आप लोग अंत तक देखते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट स्टेप भी आप लोग जान सकते हैं। तो चले जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को फुल डिटेल्स इस प्रिंटर को इंस्टॉलिंग एंड फुल अनबॉक्सिंग करते करते आप लोगों को साथ पूरा प्रिंटर के बारे में शेयर करते हैं एंड दोस्तों बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, चलिए जल्दी से जल्दी पैकिंग को हम खोलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, हम जो है चाकू से पैकेट को खोल रहे हैं अभी। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे इस प्रिंटर का अंदर से क्या क्या मिलती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस प्रिंटर का मॉडल नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका मॉडल नंबर है Z3060। तो इस प्रिंटर को पैकेट को ओपन करते ही सबसे पहले हमारे हाथ में क्या आ रहा है देखते हैं। देख सकते हैं पैकिंग जो है बहुत ही अच्छा हैवी करते हैं। सबसे पहले जो देख सकते हैं पावर केबल है, इससे आप लोग प्रिंटर को पावर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को हाथ में आता है डेटा केबल पर, इसकी मदद से आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से प्रिंटर से पिन दे सकती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों क्या आती है उसका देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है मैनुअल है दोस्तों, इस प्रिंटर को कैसे इंस्टॉलिंग करना है सभी इस मैनुअल में लिखा हुआ है। और ये जो है डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी की मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर या पिन डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका डाइवर आप लोग देख सकते हैं 3060 लिखा हुआ है। और इसमें जो मैनुअल है इसको देख के आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में कनेक्टिविटी करने से आप लोगों को जो हेल्प मिलेगा उस बुक से, वो है गाइड बुक मतलब मैनुअल बुक दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं थर्मोकॉल को उठाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा इधर 4 इंक दिखा रहा है, जो 4 इंक है दोस्तों, जो इस प्रिंटर का जो अपडेट जो इंक है दोस्तों देख सकते हैं, ये जो इंक है 71 का इंक है, इसका मॉडल नंबर है 71। और दोस्तों ये जो ब्लैक वाला इंक है वो काफ़ी बड़ा है एंड दोस्तों देख सकते हैं कलर वाला इंक को 71C4 Cyan, इस वाला साइन का जो कलर इंक है, इसमें 70 ईमेल का इंक दिया हुआ है, मतलब 70 ml का इंक दिया हुआ है। और इसका नंबर है 71 नंबर इंक। दोस्तों ये जो इंक है इसको आप लोग अगर मार्केट में परचेस करेंगे तो दोस्तों ये जो हमारा जो कलर वाला इंक है इसको आप लोग मार्केट में 550 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये रहा हमारा हेड जो है दोस्तों, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों अगर आप लोग कुछ गलती करते हैं तो दोस्तों अपना प्रिंटर जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि जो हम जो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस प्रिंटर को इंस्टॉलिंग प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी प्रिंटर को अभी आप बाहर निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं प्रिंटर कैसे दिखने में है। और दोस्तों ये जो प्रिंटर है दोस्तों, एक साथ 99 कॉपी कर सकते हैं, मतलब एक साथ 99 कॉपी जेरोक्स कर सकते हैं, इतना अच्छा प्रिंटर है। पहले वाला जो प्रिंटर था वो इसका मतलब एक साथ 99 प्रिंट नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ 19 पेज ही जेरोक्स कर सकते थे। अभी जो प्रिंटर जो अपडेट करके भेजा है कंपनी वालों ने, अपडेट करके 99 कॉपी जो जेरोक्स हम लोग एक साथ कर सकते हैं। आप लोगों को लाइव दिखाएंगे 99 कॉपी करके आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो प्रिंटर है वो काफ़ी अच्छा किया है और इसका जो डिस्प्ले वगैरह स्विच वगैरह जो किया है वो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसका इंक टैंक देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो टैंक का जो स्टाइल किया है वो काफ़ी मस्त किया है, मतलब काफ़ी अच्छा किया है इसका टैंक का जो स्टाइल है। तो चलिए जल्दी जल्दी इस प्रिंटर को सभी सील को हम खोल देते हैं, उसके बाद आप लोगों को इंस्टॉलिंग करके दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों इसका स्कैनर देख सकते हैं, ये जो है A4 स्कैनर, आप लोग इसमें A4 स्कैन कर सकते हैं, मतलब A4 से ज़्यादा बड़ी कोई स्कैन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ A4 स्कैन होगा। और दोस्तों प्रिंटर को लुक देख सकते हैं, जितना भी सील है दोस्तों सभी सील को आप लोगों को खोल देना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे इस सील अगर आप लोग रहेंगे मतलब कुछ भी सील रहता है तो दोस्तों आप लोगों को प्रिंटर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग ध्यान से सभी सील को खोल देना है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जो है हमारा टैंक का जो ऊपर का जो कवर है उसको भी खोल लेना है, क्योंकि इसमें हम लोगों को इंक रिफिल करना है। दोस्तों अभी आप लोगों को दिखाएंगे इंक को कैसे रिफिल करना है, और इसमें इसको इंक रिफिल करना बिल्कुल इजी इंक रिफिल है। दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं हमारा जो चारों इंक है आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंक का जो कवर है मतलब इंक का जो कवर है उसको खोलने के बाद ही दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं। सारा का सारा जो इंक है सभी अलग अलग होता है, जो हेड है मतलब इसका इंक का जो हेड है सभी अलग है। आप लोग चाहे तो ब्लैक वाला इंक येलो में अगर डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते, क्योंकि इसका जो हेड है वो काफ़ी अलग है। देख सकते हैं दोस्तों इंक रिफिल करना बिल्कुल इजी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो इंक का बोतल है वो टैंक के ऊपर बैठा देना है, और ऑटोमेटिक जो हमारा इंक है वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाती है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो इंक है वो ऑटोमेटिक टैंक के अंदर चले जा रही है। दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं लाइव, और दोस्तों देख सकते हैं सारा का सारा इंक जो है दोस्तों आप लोगों को फटाफट जल्दी से जो हमारा टैंक है उसमें आप लोग डाल देना, मतलब रिफिल करना है दोस्तों, क्योंकि रिफ़िल करने के बाद ही दोस्तों आगे का प्रोसेस जो है आप लोगों को दिखा पाएंगे हम लोग। तो देख सकते हैं बिल्कुल इजी है इसका रिफ़िल करना, सिर्फ और सिर्फ टैंक के ऊपर इंक का बोतल जो है उसको बैठा देना है, और ऑटोमेटिक जो है हमारा इंक वो टैंक के अंदर चली जाती है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो इंक है वो टैंक के अंदर जा रही है, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल लाइव है। और दोस्तों इस प्रिंटर का जो खासियत है दोस्तों, इस प्रिंटर से आप लोग ऑटो जेरोक्स भी कर सकते हैं, मतलब माइक्रो जेरोक्स कर सकते हैं, कोई भी A4 वाला पेज को आप लोग छोटा कर सकते हैं, मतलब 100% से लेके आप लोग 25% तक छोटा कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो इंक है वो रिफ़िल हो रहा है, मतलब रिफ़िल हो रहा है मतलब हो चुकी है बिल्कुल इजी। और दोस्तों इसका जो रिफ़िल का जो टाइमिंग है बहुत ही कम टाइम है, जैसे कि आप लोगों को एक पूरा बोतल डालने में सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम लेता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 30 सेकंड टाइम में आप लोगों का जो रिफ़िल है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं जो मैजेंटा है, मैजेंटा को रिफ़िल करके आप लोगों को दिखाते हैं लाइव कितना टाइम लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो मैजेंटा का जो इंक है वो रिफ़िल हो रहा है, वो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं टैंक के अंदर बिल्कुल आराम से जा रहा है दोस्तों जो इंक है। और इस इंक के जो सारा जो चारों इंक है दोस्तों, इस चारों इंक मिल के दोस्तों आप लोगों का जो फोटो कॉपी निकालता है जो काफ़ी अच्छा फोटो कॉपी निकालता है। तो दोस्तों सारा इंक को रिफिल करने के बाद दोस्तों प्रिंटर को जो है लैंग्वेज मांगेगा, उसको ओके करने के बाद दोस्तों हमारा जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो स्टार्टिंग हो जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद ही दोस्तों कंप्लीट सेटअप का ऑप्शन आती है, उसके बाद आप लोगों को ओके कर देना है। दोस्तों सॉरी दोस्तों फाइल मिसिंग हो गया है वीडियो का, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो इंस्टॉलिंग प्रोसेस का जो वीडियो है वो 2020 का वीडियो है, वो सेम प्रिंटर है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई का फर्क है। Z2020 एंड दोस्तों Z2360 जो प्रिंटर है बिल्कुल सेम प्रिंटर है, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई का डिफरेंस है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों 99 जेरोक्स एक साथ आप लोग कर सकते हैं इस प्रिंटर के अंदर, 3060 इस प्रिंटर जो है वो एक साथ 99 कॉपी होता है। दोस्तों 2020 भी में भी बिल्कुल 99 एक साथ कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों उसका जो वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। तो दोस्तों इसी तरह जो हमारा जो प्रिंटर है वो छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, एंड दोस्तों इसका जो जेरोक्स है उसका स्पीड काफ़ी अच्छा किया है। दोस्तों इंस्टॉलिंग होने के बाद दोस्तों आप लोग ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि आप लोगों का जो इंक का जो कवर है उसको ठीक से आप लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो पहले इंस्टॉलिंग करने के बाद आपका जो इंक का जो कवर है उसको थोड़ा खुला रहना चाहिए, क्योंकि जो हवा है उसको आना चाहिए इस टैंक के अंदर, नहीं तो दोस्तों आपको आगे जाके प्रॉब्लम होती है प्रिंटर। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो को कैसे लगा, और दोस्तों मेरे चैनल पर जो भी नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोगों को इस प्रिंटर से जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों इसका जो जेरोक्स का स्पीड है वो काफ़ी अच्छा स्पीड किया है, जैसे कि एप्सन का कोई भी प्रिंटर ले लीजिए मार्केट से, दोस्तों एप्सन से ज़्यादा इस प्रिंटर का जो जेरोक्स स्पीड किया है वो काफ़ी अच्छा स्पीड किया है। और पहले जो इस प्रिंटर का मतलब कैनन का जो प्रॉब्लम था, जो मेन प्रॉब्लम था वो था इंक पैड, मतलब इंक पैड जो कैनन ने दिया था वो बिल्कुल घटिया दिया था। अभी जो इंक पैड है वो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये जो प्रिंटर है अभी अपडेट करके बहुत ही अच्छा किया है। दोस्तों आप लोग इसको मार्केट में परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अगर इस प्रिंटर को परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। दोस्तों चलिए इस छोटा सा चीज को हम आप लोगों को जरूर करके दिखाते हैं, एंड इसको स्पीड भी आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे स्पीड है। दोस्तों तो चले जल्दी से जल्दी हम लोग इसको जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना।
तो दोस्तों जेरोक्स करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाला को, ब्लैक वाला जो ऑप्शन है उसको दबा देना है, जो ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लैक वाला जो बटन है, और जो काला लिखा हो उसको दबाने से काला जेरोक्स होता है। दोस्तों देख सकते हैं इसका जेरोक्स का स्पीड है, आप लोग अभी पता चल जाएगा कितना स्पीड में जेरोक्स होती है दोस्तों। और दोस्तों ये जो जेरोक्स है वो लोडिंग मतलब टाइम भी नहीं लेता है, मतलब जेरोक्स का बटन दबाने से, मतलब जैसे कि एप्सन का प्रिंटर टाइम लेता है, ये जो प्रिंटर है वो टाइम भी नहीं लेता है। बहुत ही अच्छा प्रिंटर किया है जो अभी जो 2022 है, जो अभी जो हमारा साल चल रहा है यार, उसके अंदर आप लोग अगर कैनन का बेस्ट वाईफाई वाला प्रिंटर लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों ये जो प्रिंटर किया है 3060, ये जो प्रिंटर है सबसे अच्छा बेस्ट प्रिंटर किया है कैनन वालों ने। और दोस्तों आप लोग अगर इस प्रिंटर को परचेस करना चाहते हैं दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग हमारा शॉप में भी आ सकते हैं, हमारा शॉप में ये जो प्रिंटर है हर समय अवेलेबल रहती है। इसका जो प्राइस है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसका प्राइस भी चेक कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, और दोस्तों मेरे चैनल पर जो भी नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर का जो डिस्प्ले है, छोटा सा डिस्प्ले, इस डिस्प्ले के मदद से आप लोग इस प्रिंटर में माइक को जेरोक्स कर सकते हैं। यार दोस्तों आपका जो इंक है दोस्तों उसको आप लोग चाहे तो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दोस्तों इस प्रिंटर के अंदर, मतलब लेज़र प्रिंटर में जैसा ऑप्शन रहती है दोस्तों इंक कम ज़्यादा करने का, इस प्रिंटर के अंदर भी उसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ है माइक को जेरोक्स का वगैरह सभी। जो प्रिंटर एक जेरोक्स के अंदर जो जो रहना चाहती है तो रहना जो रहती है दोस्तों सभी जो फैसिलिटी इस प्रिंटर के अंदर दे दिया है कंपनी वालों ने। और दोस्तों इसके अंदर गूगल एलेक्सा का भी सिस्टम किया है, जैसे कि आप लोग गूगल एलेक्सा से मतलब अपने वाईफाई कनेक्ट करके दोस्तों आप लोग इसको बोल के भी जेरोक्स कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।